स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन प्लान नंबर 8 को लेकर के, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा वर्क एंड एनर्जी। इसके प्रीवियस वीडियो की बात की जाए तो हमने लेसन प्लान नंबर 1-7 को लेकर के बात की थी, जो कि आपके साइंस एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड था। तो अगर आप बीएड थर्ड सेमेस्टर में हैं और आप अपने लेसन प्लान तैयार करना चाह रहे हैं साइंस एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आप जैसे ही प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको साइंस एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए एक फोल्डर मिल जाएगा, जिसमें काफ़ी सारे लेसन प्लान बताए गए हैं। ठीक है, अगर आप इसे हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में भी साइंस एंड बायोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारे लेसन प्लान, लगभग 1-40 लेसन प्लान बताए गए हैं, जिसे देख करके आप अपनी टीचिंग के लिए लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आप यहाँ पर लेसन प्लान नंबर यानी नंबरिंग आप अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेट यानी दिनांक, जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट डालिएगा, आप डेट कॉपी मत करिएगा। सब्जेक्ट की बात की जाए तो सब्जेक्ट में आप साइंस डालेंगे यानी विज्ञान, ठीक है। आप चाहें तो बायोलॉजी भी डाल सकते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन आएगा यानी टाइम पीरियड आपका 35 मिनट पड़ा है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग 30-45 मिनट, ठीक है, इससे ज़्यादा का मत रखिएगा टाइम पीरियड, इतना आप डिवाइड करके अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद पीरियड आएगा, पीरियड आप चाहें तो ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर नीचे हो गया है, आप पीरियड पहले कर लीजिएगा और ड्यूरेशन बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। तो पीरियड भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो चाहे यहाँ पर डाल सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे ही चीज़ें कॉपी कर लीजिएगा डेट को छोड़ करके। क्लास की बात की जाए तो क्लास यहाँ पर आपकी सेवन्थ पड़ी है और सेवन्थ क्लास में आज हमारा टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल एम्स, यानी जिसे आप सामान्य उद्देश्य कहते हैं हिंदी में। जनरल एम्स की बात की जाए तो इसमें आप जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे अपने स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा। जैसे यहाँ पर साइंस है तो आप साइंस से रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल एम्स, जो कि आपके विषय से संबंधित रहेगा। इसमें आपके दो पॉइंट दिए हैं, आप इन पॉइंटों को देख करके एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर बात हो गई आपके जनरल एम्स को लेकर के, यानी सामान्य उद्देश्य को लेकर के, जो कि आपके विषय से संबंधित थे। आगे हम इसी में देखेंगे स्पेसिफिक एम, यानी जिसे आप विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। विशिष्ट उद्देश्यों की बात की जाए तो इसमें आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या स्पेशल इंफॉर्मेशन देंगे टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड। इसमें आपके तीन पॉइंट रहेंगे, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर। इन तीनों पॉइंटों में आप टॉपिक को ध्यान में रखते हुए ही चीज़ें बच्चों को बताएंगे। हर एक पॉइंट में आपके दो दो दिए हुए हैं, ठीक है, आप चाहें तो कम करके भी लिख सकते हैं। इसी में हम देखेंगे इफेक्टिव के दो पॉइंट, ये रहे आपके इफेक्टिव के दो पॉइंट, आप इन्हें भी कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आएगा थर्ड आपका साइकोमोटर, इसमें भी आपके दो पॉइंट दिए हुए हैं। तो आप इन पॉइंटों को देख लीजिएगा, आप वीडियो पॉज करके एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पर बात हो गई आपके स्पेसिफिक एम को लेकर के, आगे हम इसी में देखेंगे टीचिंग एड्स, यानी जिसे आप TLM भी लिख सकते हैं, आप इसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी लिख सकते हैं। हिंदी में इसे आप सहायक सामग्री कहते हैं, क्योंकि आप इनकी सहायता लेते हैं अपने टॉपिक को पढ़ाने में। जैसे आपने ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, मार्कर, कोई डायग्राम हो गया, आपका मॉडल हो गया, ठीक है, या फिर कोई वस्तु हो गई, जो भी चीज़ें आप यूज़ करेंगे अपने टॉपिक को पढ़ाने में आप टीचिंग एड्स में शो करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस नॉलेज, यानी जिसे आप पूर्व ज्ञान कहते हैं हिंदी में। पूर्व ज्ञान की बात की जाए तो इसमें आप अपने स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज के बारे में लिखेंगे कि उन्हें सब्जेक्ट से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड पहले से क्या कुछ पता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान, जिसमें आप अपने स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज के बारे में लिखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की बात की जाए तो ये आपकी प्रस्तावना प्रश्न होते हैं। हिंदी में आप इन्हें प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं, क्योंकि इसमें आप पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न बच्चों से निकलवाने के लिए इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस बनाते हैं। इसके लिए आप तीन कॉलम बनाएंगे, देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से कॉलम रहेंगे आपके।
ये रहे आपके तीन कॉलम। इसमें आपका फर्स्ट रहेगा सीरियल नंबर, सेकंड रहेगा पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड रहेगा स्टूडेंट्स रिस्पांस। इसमें आप मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैक्सिमम की बात की जाए तो आप 5 प्रश्नों पर अपने प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जब आपका यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका 3 पर या 5 पे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाना चाहिए, उसके बाद ही आप स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम या स्टेटमेंट ऑफ द एम के बारे में लिखेंगे, यानी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम या एम क्या है, जो भी आपका टॉपिक है, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी, तो इसे ही आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो गई स्टेटमेंट ऑफ द एम या स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम को लेकर के, जिसे आप उद्देश्य कथन कहेंगे। उद्देश्य कथन आपके टॉपिक से रिलेटेड आना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंटेशन क्वेश्चन, यानी हिंदी में आप इसे प्रस्तुतिकरण प्रश्न कहते हैं। प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसमें आप अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए प्रिपेयर रहेंगे, यानी पूरी तरह से तैयार रहेंगे। इसमें आप टॉपिक से रिलेटेड डेवलपिंग क्वेश्चंस भी अपने स्टूडेंट से पूछेंगे, अगर उन्हें टॉपिक के बारे में पहले से कुछ पता है। अगर नहीं पता है तो आप अपने टॉपिक को भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप सीधे सीधे 6 कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट रहेगा सीरियल नंबर, सेकंड रहेगा टीचिंग पॉइंट, थर्ड रहेगा पीपल टीचर एक्टिविटी, ठीक है, फोर्थ रहेगा स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, फिफ्थ रहेगा टीचिंग मेथड, सिक्स रहेगा ब्लैक बोर्ड वर्क। तो इस तरह से आप 6 कॉलम बना लेंगे। यहाँ पर लाइन खींची हुई है, आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रही है, पर आप ऐसे खींच लीजिएगा 6 कॉलम, इस तरह से पूरे बनेंगे। उसके बाद आप सबसे पहले टीचिंग पॉइंट में डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछेंगे अपने स्टूडेंट से। ठीक है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स में स्टूडेंट उनका आंसर देंगे। टीचिंग मेथड की बात की जब भी आप डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, तो इसमें टीचिंग मेथड में आप क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज़ करेंगे, ऐसा आप लिखेंगे। तो आप ये प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे हैं। ये आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट आ गया, ठीक है, और जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप लेक्चर मेथड या एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, और तभी आपके स्टूडेंट्स उस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आप इन्हें देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके लिखिएगा। ये यहाँ पर आपका सेकंड कंप्लीट हो गया, फिर आ गया आपका थर्ड, ठीक है, यहाँ भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए आपने एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ किया है। उसके बाद आपका फोर्थ आ गया और फिफ्थ। इस तरह से आपके जो प्रेजेंटेशन क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं, आप इन्हें देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो गई आपके प्रस्तुतिकरण प्रश्नों को लेकर के, यानी यहाँ पर आपके जो प्रेजेंटेशन क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम इसी में देखेंगे कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस। कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस की बात की जाए तो ये आपके बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न होते हैं। इसमें आप अपने स्टूडेंट्स की मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके 2 दिए हैं, आप मिनिमम 2 या मैक्सिमम 5 पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो गई आपके कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस को लेकर के। आगे हम इसी में देखेंगे आपके ब्लैक बोर्ड वर्क को लेकर के, यानी जिसे आप हिंदी में श्याम पट कार्य कहते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क की बात की जाए तो इसमें आप ब्लैक चार्ट को काट करके वाइट स्पार्कल पेन से चीज़ें वैसे ही मेंशन करेंगे जैसे कि आप फर्स्ट पेज में लिखते हैं, डेट, ठीक है, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन, और जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो आप इन पॉइंटों को देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पर बात हो गई आपके ब्लैक बोर्ड वर्क को लेकर के, यानी जिसे आप ब्लैक बोर्ड समरी कहते हैं। आगे हम इसी में देखेंगे इंस्पेक्शन वर्क, यानी जिसे आप निरीक्षण कार्य कहेंगे। इंस्पेक्शन वर्क की बात की जाए तो इसमें आप क्लास का इंस्पेक्शन करेंगे जब आपके स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड वर्क राइट कर रहे होंगे या अपने टॉपिक को रीड कर रहे होंगे। तो आप इन्हें देख लीजिए, आप इन्हें भी वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। आगे हम इसी में देखेंगे आपके रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चंस, यानी जिसे आप हिंदी में पुनरावृत्ति प्रश्न या अभ्यास कार्य कहते हैं।
रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसमें आप पूरे टॉपिक का दोबारा से रिवीजन करवाएंगे क्लास में ही। इसके लिए आप टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दो दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे होमवर्क, यानी जिसे आप गृह कार्य कहते हैं। होमवर्क की बात की जाए तो इसमें भी आप टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बच्चों को घर से करने के लिए देंगे, यानी ये HW टाइप क्वेश्चन होते हैं, इन्हें आप घर से करने के लिए देंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, आप चाहें तो मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स या मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो क्वेश्चन आंसर भी दे सकते हैं। तो आप इन्हें देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके जो लेसन प्लान नंबर 8 था वो कंप्लीट हो गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेसन प्लान नंबर 9 को लेकर के, जो कि एक नए टॉपिक पर बेस्ड होगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारे द्वारा बताया जा रहा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से आपके जो भी प्रश्न हैं आप उनका उत्तर पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।